फिर भी पलटू राम को शर्म है? पलटू राम बोल, है संतुरा बोल, गधा रियन बात करता है तू? हाँ, है ना? हाँ, आप ये बताइए, लेकिन आपके शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? पहले सुनिए तो, बयान एकदम अनर्गल बयान दे रहे थे, उनका आरोप है। अरे अनर्गल बयान? हाँ। पढ़ा लिखल वाले बात बोल रहे थे, नीतीश कुमार पागल है वो? हाँ। नीतीश कुमार के बोल ही नहीं आता है? हाँ। है? हाँ। नीतीश कुमार के हमर बेटा के जितना लूर है, हाँ। उतना नीतीश कुमार को लूर है? हाँ। नीतीश कुमार को हमर बेटा पढ़ाएगा? शिक्षा मंत्री क्या किए, 17 महीना में शिक्षा मंत्री 2.5 लाख वैकेंसी निकाले तेजस्वी जी के नेतृत्व में? बताइए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं? आप कहते हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में? नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर होता तो 17 साल में नहीं होता, 17 साल में नहीं होता। आपको और बताते हैं, जब वैकेंसी निकाले नीतीश कुमार कहते हैं क्रेडिट ले लिया। अरे बुढ़ाओ, क्रेडिट लेंगे तेजस्वी जी? है? जब नियुक्ति पत्र बांटे के बात आया तो निमन सुथर लड़का नियन फोटो लगा दिए गांधी मैदान में चारों पट्टी। बारे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का ही फोटो था? विभाग किनका? चंद्रशेखर जी का? किस पार्टी के नेता? आरजेडी के। कभी देखे थे कहीं पे चंद्रशेखर बाबू के यादव का फोटो था? तेजस्वी यादव का फोटो था? बताइए, नहीं था। इनका विभाग आ नीतीश कुमार ले लो नियुक्ति पत्र, बहुरा है आदमी कहीं के नियुक्ति पत्र ले लो। है राम जानकी हॉस्पिटल का जब उद्घाटन हुआ, स्वास्थ्य मंत्री कौन? तेजस्वी यादव। उद्घाटन करने का अवसर किसको दिया? पलटू राम को। फिर भी पलटू राम को शर्म है? पलटू राम बोल, है शर्म तुरा बोल, गधा रियन बात करता है तू? और मैं आपको बताता हूं, 512 कंपनियां तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आ रहा था बिहार में। तकलीफ इस बात का नहीं है कि सरकार गया, हम लोगों का सरकार सब दिन रहता है, क्योंकि हम लोगों का सरकार है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। ठीक है, सब दिन रहता है। तकलीफ इस बात का है कि जो तेजस्वी यादव दिन रात मेहनत कर रहे थे 14.25 करोड़ बिहारियों के लिए, कि वो बिहारी जो बिहार से पलायन करते हैं ईद दशहरा दिवाली होली अपने बच्चों के साथ नहीं मना पाते हैं और दूसरे प्रदेश में जाकर के जीविकोपार्जन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनको अपने घर में नौकरी देने के लिए इन्वेस्टर समिट यहाँ पे आयोजित करवाए। और जब इन्वेस्टर समिट में दो बार हुआ, पहली बार 305 फैक्ट्री का एग्रीमेंट हुआ, दूसरी बार 207 फैक्ट्री का एग्रीमेंट हुआ, कुल मिलाकर के 512 फैक्ट्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में आ रही थी। आप बताइए, एक फैक्ट्री में एग्रीमेंट था कि एक फैक्ट्री में कम से कम 2000 काम जो है रोजगार वो बिहार वासियों को दिया जाएगा। 512 फैक्ट्री में 10.5 लाख रोजगार दिया जाता, ये किनको मिलता? जो गरीब गुरबे हमारे मजदूर भाई हैं, जो कि बाहर कमाने पे मजबूर होते हैं, बाहर में अपमानित होते हैं, उनको यहाँ पर रोजगार मिलता। नीतीश कुमार को पचा नीतीश कुमार को बर्दाश्त हुआ? गरीब गुरुआ के लिए काम कर रहे थे तेजस्वी जी, वो बर्दाश्त नहीं हुआ? तेजस्वी जी आप बताइए ना, IGIMS अर्ध सरकारी था ना, तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पूर्णतः सरकारी कर दिया, बताइए हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, आप ही बताइए, आप बताइए। खेल विभाग तेजस्वी जी के पास था, तेजस्वी जी के नेताओं के पास था। खेल विभाग में तेजस्वी जी ने कहा मेडल लाओ, नौकरी पाओ। तमाम विभाग का गठन हुआ है, खेल विभाग था नहीं, गठन हुआ उसका, खेल विभाग बना। कला एवं संस्कृति विभाग था ना, उससे खेल विभाग अलग, उसी में ना, उस पहले उसी में जुड़ा हुआ था। वो तो नीतीश कुमार के इतना लूर नहीं था कि खेल विभाग को भी सेपरेट करो, वो तो तेजस्वी जी लूर दिए हैं, जल्दी खिलाड़ी है। तो उसमें भी तेजस्वी जी ने कहा मेडल लाओ, नौकरी पाओ, जिससे हमारे खिलाड़ी लोग में मनोबल जागा, वो लोग तत्परता से खेलने में विश्वास जताने लगे। और मैं आपको बताता हूँ, कृषि विभाग, वन विभाग, पर्यटन विभाग को विकसित करते हुए अमेरिका की हयात इंटरनेशनल होटल को, जो कि पूरे इंडिया में मात्र 9 गो है, 10वां होटल बोधगया में खुलवा रहे थे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार को बर्दाश्त हुआ कि गरीब गुरुआ के घर के बगल में हयात खुलेगा? बर्दाश्त हुआ? घटिया आदमी को बिहार को बर्बाद करके रख दिया। बर्बाद हो जाओगे नीतीश कुमार, बर्बाद हो जाओगे। मुरठा आप बांध लीजिए, मुरठा मुरठा आप बन्हा रहा है। आओ अब, आओ नीतीश कुमार।
आओ तू गर्दिश उड़ा दें गर्दिश, टमाटर और अंडा के बौछार कर देंगे, ठीक है। 14.25 करोड़ बिहारियों को जो अपमानित किया है आपने, अभी बिहार को सब लोग रोजगार वाला स्टेट के रूप में जान रहे थे, जहां के जा करके मोदी जोरे जाके चोई चोई किए हैं, वो मोदी जी के स्टेट वाले को तेजस्वी जी यहां बिहार में नौकरी दे रहे थे, दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, बताइए आप, बताइए। आप तो मुरट्ठा बांध लिए हैं, सम्राट चौधरी आज मुरट्ठा खोल लिए होंगे, सीएम बन गए। सुनिए ना, बांधे आता है पहले, सम्राट चौधरी के बाबूजी का कौन बनाए हमारे नेताजी, सम्राट चौधरी जी के बाबूजी का कौन बनाए हमारे नेताजी, तो सम्राट चौधरी है क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी है, वो सब क्या बात करेगा, क्या होगा 2024 में, क्या होगा बताइए। 2024 में इंडिया महागठबंधन भारी मतों से जीतेगा। बिहार में क्या होगा 40 सीट में, 40 सीट में सब पर जमानत जब्त हो जाएगा, एनडीए का जमानत जब्त हो जाएगा सब पर। आते हिम्मत है, चैलेंज करते हैं यार नीतीश कुमार, सुन सुन है ना, अगर हिम्मत है तो चाहे तो नरेंद्र मोदी अना तो नीतीश कुमार सबके छोड़ दीजिए, हमारे तेजस्वी भैया के सामने अना तो तेजस्वी भैया ज्यादा बरियार पड़ जाते हैं, तो तेज प्रताप भैया अना तो तेज प्रताप भैया बरियार पड़ जाते हैं, तो खाली कह देना कि किस सीट से लड़ना चाहते हो, उस सीट पर अगर कुत्ता का उतार देंगे ना तो कुतवा तो होने का जमानत। बहुत बड़ी बात कर दी, बता दे रहा, बहुत बड़ी बात कर दी, बता दे रहा, बहुत बड़ी कर दी बात। 19 में आपका एक भी सांसद नहीं है, 19 एक चीज 19 में काहे नहीं रहा, ये चलते नहीं रहा कि धोखेबाजी किया था एनडीए, एनडीए वाला धोखेबाजी किया था, ये चलते नहीं रहा। इस बार जो लोग बोलते थे ना कि लालू जी को अपमानित जो लोग करता था और लालू जी के बेटा को, वो सब लोग पूरा देश आज लालू जी के साथ खड़े हैं, पूरा दुनिया साथ खड़े हैं। अच्छा कितना दिन में सरकार गिरा देंगे, आप कह रहे हैं कि तोड़ रहे हैं हम, 165 दिन आज से, 165 कोड नंबर 165 और 165 दिन में सरकार नहीं गिरा दिए तो मौज मुराई घूमेंगे। 2% वाले लगातार मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, आप 14% होके कह रहे हैं कि सबसे पहला चीज, हम लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के नहीं लड़ते हैं, हम लोग लड़ते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, देशवासी कैसे आगे बढ़ेंगे, बिहार कैसे विकास करेगा, हम लोग इसके लिए लड़ते हैं। और चाहे 2% हो या 4% हो, A to Z की सरकार हमारे नेता के द्वारा RJD को बना दिया गया है और A to Z लोगों ने ठाना है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में NDA को दबाना है। कितना दिन में आज से गिनना शुरू हो जाए, 165 गिन लीजिए, गिनना शुरू हो गिन लीजिए। हाँ तो चलिए, ये थे संतोष रेणु यादव जी, और काफी बिल्कुल इस तमाम लोग जो है सरकार के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति आक्रोशित हैं, सभी लोग जो है अपना उनके प्रति गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस वक्त हम राबड़ी आवास के बाहर थे, बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।